नमस्कार, मैं रविश कुमार। वैश्विक महामारी के समय सिर्फ महामारी नहीं फैलती है, मूर्खता भी फैलती है। वायरस यानी विषाणु नया हो सकता है, लेकिन मूर्खताएं ऐतिहासिक होती हैं। कई बार कई देशों में सेम टू सेम होती हैं। इंडिया में भी वही होती हैं और अमेरिका में भी वही होती हैं, और कई बार कुछ मूर्खताएं समय के हिसाब से नई भी होती हैं। इंसान कई बार विषाणुओं का इंजेक्शन तो खोज लेता है, मगर इन मूर्खताओं का इलाज नहीं खोज पाता। हमने आपके लिए एक सामान्य कैटेगरी बनाई है मूर्खता, लेकिन इसके भीतर भी कई श्रेणियां हैं। नफरत की श्रेणी है, भेदभाव की श्रेणी है, और कई प्रकार की हिंसक क्रूरता की श्रेणी है, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर और नर्स के साथ भेदभाव और मारपीट की कितनी खबरें आ गई। कहीं नर्स को मकान से निकालने की खबर आई तो कहीं से खबर आई कि डॉक्टर को सोसाइटी में नहीं घुसने दिया गया। कहीं पुलिस वाले ने ही डॉक्टर को पीट दिया तो कहीं पर लोग देखते रहे कि डॉक्टर पिट रही हैं मगर बचाने नहीं आए। कोरोना के कारण पूर्वोत्तर भारत के कुछ लोग भी चपेट में आ गए। तबलीग जमात की खबर आने के बाद तो खेल ही बदल गया। गोदी मीडिया का स्क्रीन सांप्रदायिक नारों से भर गया। किसी ने सीमा पार की साजिश बताई तो किसी को लगा कि इस्लामी जिहाद है। इसके असर में लोग गरीब सब्जी बेचने वाले को मारने लगे, उससे खरीदारी बंद करने लगे, उसका बहिष्कार करने लगे। वो गरीब ठेला लेकर रोता रहा मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। दिल्ली में ही एक व्यक्ति को जमात के शक में पीट कर घायल कर दिया गया। राजस्थान से खबर आई कि डॉक्टर ने मुस्लिम गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। खबरें तो यहां तक आई कि क्वारंटीन वार्ड में भर्ती लोगों ने अनुसूचित जाति के रसोइये के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। नफरत की श्रेणियां किसी एक संप्रदाय की नहीं होती, हर संप्रदाय में मौजूद होती हैं और हर संप्रदाय के खिलाफ होती हैं। हिंदी में मूर्खता का समाजशास्त्रीय नाम पूर्वाग्रह है। अंग्रेजी में प्रेजुडिस, बायस, हेट कहते हैं, और इन पर अलग से महामारी के समय शोध चलते रहते हैं। समाज में भी ये मूर्खता मौजूद होती है और सरकारों की नीतियों में भी बहुत ही क्रूर रूप में ये मौजूद होती है। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टरों की सैलरी दुगनी कर दी जाती है, लेकिन वहीं जो लैब टेक्नीशियन है उसे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस वक्त भी जब कहा जाता है कि हम मिलकर लड़ रहे हैं, दरअसल सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से जुगाड़ कर रहे होते हैं। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की साइट पर सिफिलिस नाम की महामारी का अध्ययन है जो 1524 में फैली थी। इस बीमारी के 200 नाम हैं। जर्मन को लगता था फ्रांसीसी बीमारी है, फ्रांस वालों को लगता था इटली वालों ने फैलाई है, डच वालों को लगता था जर्मन बीमारी है। 18वीं सदी में वेनेरल बीमारी के बारे में जापान में कहा जाता था कि पुर्तगाल से फैल कर आई, ईरान में कहते थे तुर्की से फैली है, पोलैंड वाले कहते थे रूस से फैली है, रूस वाले कहते थे पोलैंड से फैली है। 400 साल बाद भारत में और पूरी दुनिया में कोरोना के वक्त भी इसी प्रकार के पूर्वाग्रह, इसी प्रकार की मूर्खताएं फैल रही हैं। देखा आपने मूर्खता कितनी सदियों तक जीवित रहती है। महामारी के वक्त सब दुश्मन की तलाश में रहते हैं, सबको लगता है हम बच जाएं और उसकी वजह से हम नहीं बच रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि तरह तरह के हर शहर में, हर इलाके में दुश्मन खोजे गए हैं। कई राष्ट्र प्रमुखों ने इन दुश्मनों को मान्यता दी है। ब्राजील के बोलसेनारो की नहीं बात कर रहा हूं, उनकी तो महिमा छोड़ दीजिए, वरना उन्होंने जो हरकतें की हैं आपकी हंसी रुकेगी नहीं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि दुनिया में इस वक्त एक समुदाय को लेकर क्या क्या सोचा जा रहा है। एक समुदाय दूसरे के बारे में सोच रहा है, दूसरा तीसरे के बारे में सोच रहा है, लगता है कि कोई किसी से नहीं बचा है। 23 फरवरी को ईरान के जिस कोम शहर में कोरोना की महामारी फैली, उसके प्रमुख धार्मिक गुरु ने कहा कि ट्रंप ने जानबूझकर इस शिया बहुल इलाके में शहर में संक्रमण फैला दिया है ताकि इसकी संस्कृति और लोग खत्म हो जाएं। उधर ट्रंप इसे चीन को दोषी बताने में बिजी रहे। समय रहते एक्शन लिया होता तो अमेरिका में ये हालत ना होती। 24 फरवरी को इटली के धुर दक्षिणपंथी नेता ने कहा कि सरकार ने अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों को इजाजत देकर गलती की है। उस समय तक अफ्रीका में मात्र एक मामले की पुष्टि हुई थी और इटली में 230 मामले आ गए थे, 6 लोग मर चुके थे। 12 मार्च को थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण फैलाने के लिए श्वेत लोगों को जिम्मेदार बताया, व्हाइट को, कि वे नहाते नहीं हैं, गंदे होते हैं, इसलिए श्वेत लोगों के देश में संक्रमण फैला है, हमें एशियन से ज्यादा पश्चिमी लोगों से सावधान रहना चाहिए।
10 मार्च तक जब अमेरिका में 30 लोग कोरोना से मर गए थे तब भी ट्रंप साहब कह रहे थे कि दीवार बनानी होगी। किसी का ट्वीट रीट्वीट कर दिया कि हमें मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की जरूरत है क्योंकि चाइना वायरस आ रहा है। नवंबर में ही अमेरिका के खुफिया विभाग ने कोरोना वायरस की जानकारी दे दी थी मगर अमेरिका सोया रहा। 16 मार्च को ट्रंप ने चाइना वायरस का नाम दिया था। 24 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अब ऐसा नहीं करेंगे, चाइना वायरस नहीं कहेंगे। तब तक अमेरिका में 780 से अधिक लोग मर गए थे। अब तो मरने वालों की संख्या 16,000 से अधिक हो गई है। मार्च के आखिरी हफ्ते में मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि अमेरिकी लोगों को आने से रोकें क्योंकि उन्हीं से संक्रमण फैल रहा है। वियतनाम में रेस्तरां के बाहर पोस्टर लगा दिए गए कि कोई चीनी नहीं आएगा। जापान की दुकानों में भी ऐसे नोटिस देखे गए। हांगकांग के अखबारों ने पाया कि 100 से अधिक होटलों ने चाइनीज लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। ऑनलाइन मैसेज पोस्ट कर दिया कि चीनी लोग उनके रेस्तरां में ना आए। ग्रीस की राष्ट्रवादी सरकार ने कहा कि संक्रमण के खतरे के कारण ही वो डिटेंशन सेंटर बना रही है ताकि शरणार्थियों को वहां रख सके। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस के धूर दक्षिणपंथी दलों ने अपने देश की सीमाओं को सील करने की मांग शुरू कर दी। जर्मनी में जो पहले से सीमा सील करने की बात करते थे उन्हें बीमारी के बहाने अपनी बात को सही ठहराने का मौका मिल गया। श्रीलंका की सोशल मीडिया में वायरस के संक्रमण के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा कि मुसलमान वायरस फैलाकर सिंगली लोगों को मार देना चाहते हैं। किसी मुसलमान ने विदेश यात्रा की और छिपाई तो ऐसी खबरों को लेकर इस तरह की बातें फैलाई जाने लगी। उन सारी बातों को श्रीलंका में अनदेखा कर दिया गया कि मुस्लिम संगठन इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में शियाओं को संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि ईरान के जिस शहर कोम में संक्रमण फैला था वहां शिया रहते हैं। सूची काफी लंबी है लेकिन जान लीजिए कि यह पूरी नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोग चीनियों को संक्रमण का कारण मानते हैं, कुछ लोग अमेरिका को मानते हैं, अमेरिका चीनियों को मानता रहा, कहीं पे लोग शियाओं को कारण मान रहे हैं तो भारत में जमात को कारण बताया जाने लगा मीडिया के एक बड़े हिस्से के जरिए। एक तरफ वैज्ञानिकों की जमात, उनके लोग जुटे हुए हैं कि किसी तरह से इस महामारी का तोड़ निकाल लें, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल, राष्ट्र प्रमुख और सोशल मीडिया और मीडिया के लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस बीमारी के बहाने समाज को तोड़ डालें। भारत में जमात तबलीगी मरकज के नाम पर मीडिया ने जो हरकत की है वो शर्मनाक है। जमात की गलती, सरकार की गलती एक अलग विषय, लेकिन मीडिया ने इस बहाने जो किया है वो खतरनाक खेल था। टीवी चैनलों के स्क्रीन पे जिस तरह से नफरत की बातें लिखी गईं वो बताने में भी अफसोस होता है कि वो हम आपको दिखाएं। कई हिंदी अखबारों ने झूठी खबरें फैलाई, कई चैनलों ने, और जिलों के पुलिस प्रशासन को ट्वीट करना पड़ा कि ये खबर गलत है। इसके बाद भी खंडन नहीं छपा, इसके बाद भी गलत खबरों का सिलसिला नहीं रुका। ऑल्ट न्यूज ने ऐसी तमाम फेक न्यूज का संकलन किया है, प्रतीक सिन्हा से सुनिए। यहाँ दोष दो पार्टी का है, एक जो तबलीगी जमात के लीडर्स हैं जिन लोग को ये पता था कि तब तक संक्रमण लगभग सारे देशों में फैल चुका था, उन्होंने फिर भी ये कांग्रेगेशन चालू रखा, उसको पोस्टपोन नहीं किया, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों ने इस कांग्रेगेशन को परमिशन दी। तो दोनों तरफ इसका ब्लेम जाता है, मगर जब से ये हुआ है तब से एक मुस्लिम कम्युनिटी पे एक कॉन्सर्टेड अटैक हुआ है, और ये जो टारगेटिंग किया गया है वो दोनों मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे किया गया है, और मैं दोनों के बारे में बात करना चाहूँगा। मेनस्ट्रीम मीडिया पे ये हुआ है कि एक जो रिपोर्ट्स आई है, जो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आई है, उसमें कॉन्स्टेंटली तबलीगी जमात को लिंक किया गया है, और वो समझ सकते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से है, मगर काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स है जहाँ रॉन्गली लिंक किया गया है और उसके लिए उनके ऊपर अटैक और बढ़ा है। जैसे अभी कल ही अरुणाचल प्रदेश में एक चैनल ने बता दिया कि 11 तबलीगी जमात के से जो जुड़े हुए लोग हैं वो पाए गए हैं, मगर अरुणाचल प्रदेश से ये न्यूज़ आई कि ऐसा कोई भी नहीं है और अभी तक एक ही पॉजिटिव केस है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही किसी न्यूज़ वायर सर्विस ने भी ये लिख दिया कि नोएडा में कहीं एक क्वारंटाइन सेंटर हुआ है
और वहाँ तबलीगी जमात से के लोगों से कांटेक्ट में आने के लिए इन्फेक्शन फैला है, इसलिए ये क्वारंटाइन सेंटर बना गया है। तो उसको यूपी पुलिस ने, नोएडा की पुलिस ने उसको बताया कि ऐसा कोई तबलीगी जमात के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बार बार हो रहा है जहाँ न्यूज़ मीडिया गलत अफवाह फैला रही है जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है और तबलीगी जमात के बारे में। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन कनेक्शंस नहीं है, बहुत सारे जेन्युइन कनेक्शंस भी है, मगर ऐसी गलत अफवाह भी फैलाई जा रही है। मगर उससे बड़ा इशू अभी सोशल मीडिया बन गया है, यहाँ सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के वीडियोस फैलाए जा रहे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समुदाय जानबूझकर इस इन्फेक्शन को आगे फैला रहा है। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ आप कुछ मुस्लिम यूथ को देखेंगे और वो लोग चम्मच और प्लेट्स को चाट रहे हैं, और इसमें ये बोला गया कि ये लोग कोरोना वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं। मगर एक्चुअली वो बहुत पुराना वीडियो था, बोहरा मुस्लिम्स का करीबन 2 साल पुराना वीडियो था, जहाँ उनका एक एक्सट्रीम कस्टम है जिसके अनुसार वो लोग कुछ भी फूड वेस्ट नहीं करते, और इसलिए उसको चाटा जा रहा था और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कोरोना वायरस के साथ। और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ एक फ्रूट वेंडर है, फल बेच रहा है एक इंसान, वो पहले अपने हाथ को चाट रहा है और फिर फ्रूट को टच कर रहा है। हालांकि ये बड़ा अनहाइजेनिक वीडियो है और बड़ा शॉकिंग वीडियो है, मगर वापस इसका कोई कोरोना वायरस के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ये एक्चुअल हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन वो हुआ था मिड फरवरी में, और जब 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 तक मध्य प्रदेश में कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए थे, और आज तक उस टाउन में जिस टाउन का ये वीडियो है वहाँ एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए, मगर ये बोल के ये वीडियो आगे डाला गया कि ये इंसान इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है। तो वैसे अलग अलग ऑल्ट न्यूज़ ने करीबन 8-9 वीडियो ऐसे डीबंक किए जो एक ही तरह के है, और ये एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा की तरह लग रहा है, क्योंकि पुराने पुराने वीडियोस ढूंढ के कौन डालता है ये बताने के लिए कि ये अभी हो रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा के तहत ये किया जा रहा है जहां मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के द्वारा। यही नहीं, सरकार ने भी एक चूक कर दी, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाने लगी कि संक्रमित मरीजों में तबलीगी जमात के कितने लोग हैं, उनका प्रतिशत क्या है, 30% बताया जाने लगा। तो यह भी बताया जाना चाहिए था कि 70% वाले किस समाज के हैं, किस शहर के हैं, कौन लोग हैं। तो इस तरह का भेदभाव सरकार की तरफ से भी हुआ और मीडिया को एक बहाना मिल गया। 536 जो लोग हैं हॉस्पिटल में मरकज के हैं, जिसमें से काफी की रिपोर्ट आ गई, कुछ की रिपोर्ट आज और कल में आ जाएगी। तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। जब गांव-गांव में ये सांप्रदायिकता, ये जहर धारणा के रूप में फैल गई, मैं फिर कह रहा हूँ तबलीग की गलती, सरकार की गलती अलग विषय है, लेकिन इसका मौका उठाकर मीडिया ने जो जहर फैलाया है वो एक गंभीर विषय है, उससे भी ज्यादा गंभीर विषय है। तब जाकर जब ये फैल गई महामारी सांप्रदायिकता की, तो 8 अप्रैल को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी थी तो इस बात की कि लोग डॉक्टर और नर्स के साथ भेदभाव ना करें, लेकिन प्राथमिकता देखिए, इसी एडवाइजरी में नीचे किसी एक कोने में बात लिखी हुई है कि किसी समुदाय या किसी इलाके को चिन्हित ना करें, उन्हें लेबल ना करें। इस एडवाइजरी में साफ साफ लिखा है कि तमाम सावधानियों के बाद भी अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो उसकी गलती नहीं है, ऐसे तनाव के वक्त में मरीज और परिजनों को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसमें लिखा है कि जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है उनका नाम और उनकी पहचान की जानकारी न फैलाएं, कोरोना फैलाने के लिए किसी भी समुदाय और इलाके को लेबल ना करें। अफसोस कि यह सब तब कहा गया जब लोगों के बीच यह धारणा घुसा दी गई कि जमात के लोगों से ही बीमारी फैल रही है। सोचिए, जब डॉक्टरों के खिलाफ भेदभाव नहीं रुक पा रहा है तो सांप्रदायिकता का जहर किस आग की तरह घर घर में फैला होगा।
9 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा कि दिल्ली सरकार की प्रेस ब्रीफिंग में अलग से तबलीगी जमात को चिन्हित किया जा रहा है। अगर ये करना सही है तो बाकी सारे लोगों को भी उसी कैटेगरी में खड़ा करके रखना चाहिए कि वो भी दोषी हैं। तो ये पत्र लिखा है। तबलीग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही से जुड़े तथ्य बहुत पीछे छूट गए हैं, इन पर बात करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन यह एक तथ्य है कि तबलीग के जमात में गए लोगों में संक्रमण फैला, उनसे उनके परिवार में और आसपास के लोगों में संक्रमण फैला है। लेकिन अगर उन्हें पता होता तो क्या वो संक्रमण लेने जाते? यहीं पर तबलीग की चूक है कि अगर वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय संस्था जमात के लोग कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के हिसाब से उन्हें कदम उठाना था। लेकिन प्रशासनिक चूक कहीं ज़्यादा गंभीर है। 18 मार्च को तेलंगाना में जब यह मामला आ गया था तभी सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 दिन देरी हुई और इस बीच काफी कुछ फैल गया और स्थिति बिगड़ गई। अब मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव है, वो तो कोरोना से संबंधित तमाम तैयारियों की इंचार्ज हैं। जब विदेश से उनका बेटा आया तो उन्होंने जानकारी नहीं दी, उन्हें भी पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह की चूक हो जाती है, लेकिन इस चूक पे बात होनी चाहिए। मगर इस बात के बहाने सांप्रदायिकता फैलाने को की छूट नहीं मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया में पूर्वी एशिया और चीन के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, एशियाई मूल के बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव होने लगे। अमेरिका के टेक्सस में एक स्टोर में एशियाई परिवार पर चाकू से ही हमला हो गया। न्यूयॉर्क में चीनी महिला पर हमला हो गया, हमलावर अश्वेत था जबकि वो खुद भी इस तरह के भेदभाव का शिकार है, लेकिन संक्रमण का प्रदूषण उसे भी जकड़ लिया। अमेरिका में फरवरी से मार्च के बीच एशियाई लोगों के खिलाफ ऐसी 1000 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं। दिल्ली में भी ऐसी एक घटना हुई। 22 मार्च को मणिपुर की एक लड़की को एक जनाब ने कोरोना कह दिया। लड़की ने जब एतराज़ किया तो उस जनाब ने पान की पीक उसके शरीर पर थूक दी। मुंबई में ही जब मणिपुर के एक बहुत ही मशहूर कलाकार म्यांग चैंग सुबह टहल रहे थे तो उन्हें उनके पास दो बाइक सवार आए और कोरोना कह दिया। घटनाएँ इतनी ज़्यादा हुई होंगी तभी तो किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें ट्वीट किया करना पड़ा कि भारत के अनेक हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं है। समुदाय, धर्म और क्षेत्र या नस्ल के आधार पर जो भी भेदभाव करता है उनका ट्वीट है वो असली में वायरस है, वो वायरस है, सारी राज्य सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये इनका ट्वीट है। लद्दाख के सांसद ने तो लोकसभा में इस मामले को उठाया। पहले हमें चिंकी बोलते थे, नेपाली बोलते थे, अभी कोरोना कोरोना बोलते सर। ये मेरे आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है, जो रेशल बेस ऐसे तंग ना करे। हम भारतीय है, भारतीय ही रहेंगे, आगे पहले भी भारतीय थे, अभी भी है, आइंदा भी भारतीय रहेंगे। जब तबलीग जमात का मामला आया तो मीडिया की सक्रियता देखने लायक थी। वो कोरोना वायरस से संबंधित तैयारियों की बोरिंग खबरों से ऊब चुका था। लेकिन इस विवाद को अलग रखते हुए इस वक्त जमात से संबंधित कुछ लोगों की जो भूमिका है वो बहुत खराब है। जैसे इसके प्रमुख को खुद को सरकार के हवाले कर देना चाहिए था। महाराष्ट्र से खबर आई कि 60 लोगों ने फोन ही बंद कर दिए पुलिस तक, ताकि पुलिस ना पहुंचे। उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी कि ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि और संक्रमण फैल जाएगा, लेकिन वो अभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसकी माफी या इसकी छूट उन विवादों के बहाने से नहीं मिल सकती क्योंकि हम सब खतरे में आ सकते हैं, कोई भी किसी से खतरे में आ सकता है, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्या अब इस महामारी को धर्म से अलग कर देखा जाएगा? मुझे पता है सांप्रदायिकता के कारण मानव बम में बदल गए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने एक लोकल चैनल से कह दिया कि कोरोना को धर्म से ना जोड़ें तो उन्हीं को ट्रोल किया जाने लगा। उनके चेतावनी के बाद भी बीजेपी के नेता ही इस तरह की बातें करने लगे और उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। कोई अगर मगर का सहारा लेकर गोली मारने की बात तक लिखने लगा। इरफान पठान जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ भारत के लिए जिया और क्रिकेट खेला, उन्होंने इतनी सी बात कह दी कि दिए जल रहे थे तो कितना अच्छा था, बस पटाखे फोड़ने लगे। फिर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और गालियाँ दी जाने लगीं। आप ही सोचें कि दिया जलाने की बात हुई थी, सुंदर बात थी, पटाखे कब फोड़े जाते हैं? जब विजय की घड़ी होती है। उस वक्त भारत में सैकड़ों लोग इस बीमारी से संक्रमित थे, किसी के घर में मौत हुई थी,
क्या भारत ने कोई टीका या इंजेक्शन खोज लिया था कि हमने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन पटाखों की आलोचना को तुरंत धर्म पर हमले का रूप दे दिया गया और गालियां शुरू हो गईं। सारे देश के लोगों ने मिलकर दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई, रोशनी फैलाई, बहुत अच्छा किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो पटाखे छोड़े गए, जिस तरह आतिशबाजी की गई, जिस तरह से पॉल्यूशन फैलाया गया, उससे दो चीज़ें गईं कि एक तो ये कि हम प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनना चाहते, हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। दूसरी बात यह कि हमें इस बात की समझ नहीं है कि हमारे सामने खतरा क्या है। तीसरी बात यह है कि हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ मोमबत्ती जलाने से मसला हल हो जाएगा और हम खुशी से आतिशबाजी छोड़ेंगे। और उसके बाद जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाया और जिन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, उनको ट्रोल किया गया, उनको गालियाँ दी गईं, उनको बुरा भला कहा गया। तो आज हो ये गया है कि हम कोई बड़ी से बड़ी हिमाकत करेंगे और अगर हमारी हिमाकत पर टोकोगे तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो हमारी बेवकूफ़ी पे कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं। जो हमें हिमाकत करने से रोकेगा वही देश का दुश्मन हो जाएगा। तो जब ये देश में हल होता है तो मैं समझता हूँ ये देश के सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो लोग बन जाते हैं जो कोई सवाल नहीं चाहते कि कोई पूछे, जो कोई नहीं चाहते कि कोई किसी बात पे भी जो है एतराज़ किया जाए, वो लोग देश के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं और हमारे संविधान के, हमारी एकता के दुश्मन हैं। उम्मीद है लोग अपने भीतर की सांप्रदायिकता को समझेंगे, गलतियों को अलग से समझेंगे और उसे धर्म से जोड़ने के प्रयासों को अलग से समझेंगे। वरना वो भी जानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और सांप्रदायिकता एक गंदे नाले का पानी है, आप इसे लाख रोकेंगे अपने बहने का ये रास्ता खोज लेगी। लेकिन इन्हीं सब नफरतों के बीच कोई है जो इस खेल को समझ रहा है। मुंबई में प्रेमचंद महावीर जी का निधन हुआ तो पड़ोसी मुसलमानों ने हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कराया, अपने हाथों से नहलाया, अर्थी उठाई। महावीर जी के भाई बहन तालाबंदी के कारण नहीं आ सके, बेटे ने खुद कहा कि उसे संस्कारों की जानकारी नहीं थी तो मुसलमानों ने दूसरे पड़ोसियों से पूछा। बांद्रा स्टेशन के पास की झोपड़पट्टी की इस घटना को आईटी सेल कभी वायरल नहीं कराएगा। अबू बशर ने कहा कि हम लोग बचपन से उन्हें प्रेम चाचा कहते थे, तबीयत खराब हुई तो कई अस्पतालों में लेकर भी गए। यह है अपना भारत। क्या भारत में तालाबंदी सफल है? बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि जनता ने ठीक ठीक इन नियमों का पालन किया है, लेकिन घर में जैसे ही वो जनता दुकानों पर जाती है, बाजार में जाती है, तालाबंदी के नियम टूटने लगते हैं। और खासकर जब आप जनरल स्टोर की दुकानों में जाते हैं तो एक ही सामान को कई बार लोग कई कई हाथों से छू रहे होते हैं और इसके खतरे बढ़ सकते हैं। तभी तो सरकार कहती है कि 100% सतर्कता की जरूरत है, 99.9% की नहीं। लेकिन इसके बाद भी जैसे बैंकों के बाहर यह भीड़ कतई तालाबंदी को सफल नहीं बना रही है। इतने लोग एक साथ कैसे पहुंचे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। बैंक के कैशियर या मैनेजर को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सोचिए क्या यह भीड़ उसके कारण आई है? क्या बैंक में इतने स्टाफ होते हैं जो इस भीड़ को संभाल सके? फिर तालाबंदी का क्या मतलब हुआ? क्या इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता था? ये तस्वीरें बीजेपी नेता रंजीत निर्गुणी ने भेजी हैं, जो समस्तीपुर से भाजपा के उम्मीदवार थे। बिहार में हर दिन सैकड़ों हाट बाजार लग रहे हैं जहां तालाबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं। चूने से गोला बनाकर शारीरिक दूरी की तस्वीरें देखने को मिली हैं कहीं कहीं से। ना तो ये गोले 6 फीट की दूरी पर बने होते हैं और दूसरा, हाट में इतने लोग आ गए होते हैं कि इन गोलों का कोई मतलब नहीं। यह सिर्फ संयोग भी है कि कोई विदेश नहीं गया तो कुछ नहीं होगा। यह धारणा पूरी तरह गलत है। क्या यह खतरा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर इन जगहों पर तालाबंदी क्यों है? रंजीत निर्गुणी गाड़ी से लोगों को मना कर रहे हैं, लेकिन एक के प्रयास से इस व्यापक समस्या का अंत नहीं होने वाला है। तो अंत कैसे होगा? हम सबको दो बातें हमेशा याद रखनी है। अब कई दिन हो गए तो आप ढीले पड़ने लगे होंगे, हाथों की सफाई नियमित करते रहें और सामाजिक दूरी का मतलब आप ये समझें कि 6 फीट की शारीरिक दूरी बाजार में सार्वजनिक जगहों पर बनाकर रखनी है। इसका सख्ती से पालन करते रहिए, कोरोना से लड़ते रहिए। बाकी ब्रेक के बाद। तालाबंदी के कारण देश भर में 90 लाख से अधिक ट्रक खड़े हो गए हैं। इन पर काम करने वाले ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर बेरोजगार हो गए हैं। अब इनमें से बहुत से लोग काम पर जाने से डर भी रहे हैं कोरोना के कारण।
इसलिए ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के लोग इनके लिए भी बीमा मांग रहे हैं। 2-3% गाड़ियां ही इस वक्त चल रही हैं जो जरूरी सामान को लेकर जा रही हैं। इन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है, ये सुनिए। उसके बाद शरद शर्मा की एक रिपोर्ट भी देखिए। हमने सरकार से गुजारिश की है कि जिस तरह आपने पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख का इंश्योरेंस दिया है, चालक को और जो सप्लाई चेन के हिस्सा है उनको भी इसी तरह की इंश्योरेंस कवरेज देनी चाहिए। दूसरी बात, हजारों किलोमीटर गाड़ी सफर करती है और एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये वायरस को हमें स्प्रेड होने से रोकना भी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना है। इसके लिए हमने सरकार से सुझाव दिया है कि आप हर एक 200 किलोमीटर पर स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, वहाँ पर कैंप लगा के जो गाड़ियाँ आवाजाही कर रही हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो, वहाँ पर गाड़ी के कैबिन को सैनिटाइज किया जाए और कोई ड्राइवर अगर किसको कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो उसका वहाँ पर इलाज किया जाए और कोई एबनॉर्मल है व्यक्ति तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाए। इससे वायरस जो स्प्रेड है वो बहुत हद तक रुकेगा। डीजल यहाँ से जाने में हमको 30,000 रुपये के डीजल जलेगा। 63 साल के राम सागर सिंह झारखंड के जमशेदपुर से 11 लाख रुपए के पाइप लेकर 19 मार्च को चले। 23 मार्च को जब फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में माल देने पहुंचे तो इस बीच लॉकडाउन हो गया। माल लदा ट्रक लेकर बीते 15 दिन से फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में फंसे हुए हैं। जिनका फैक्ट्री में माल उतारना है उन्होंने बोले कि हम माल लेंगे नहीं। अच्छा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद ही कुछ कर सकते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद का ट्रांसपोर्ट नगर ऐसे ही ट्रकों से भरा पड़ा है। इनमें कार, टू व्हीलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन से लेकर फैक्ट्रियों का कच्चा माल तक है, जिन्हें यूं ही सड़क पर छोड़ने के अलावा ड्राइवरों के पास कोई चारा नहीं है। सुरेश कुमार शर्मा की अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इनके 500 ट्रक हैं, जिनमें से 400 देश के अलग अलग हिस्सों में खड़े हुए हैं। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए का सामान लदा हुआ है। शर्मा जी बताते हैं कि लॉकडाउन होने पर ज्यादातर ड्राइवर और ट्रक उनके संपर्क से बाहर हो गए हैं। माल फैक्ट्री या गोदाम में पहुंचाया भी जाए तो सामान उतारने के लिए मजदूर नहीं हैं। जब लॉकडाउन हुआ तब ये नहीं था, नॉन एसेंशियल गुड्स नहीं जा सकती थी, तो इन बिटवीन क्या हुआ कि ड्राइवर अपने घर आ गए और जो लेबर थी वो भी अपने घर आ गई। उसके बाद ये ऑर्डर हुए हैं कि जी आप गाड़ी भेज सकते हो, तो गाड़ी कैसे भेजें हम? अब फैक्ट्रियां बंद हैं, वहाँ लेबर चली गई है। अब लेबर चली गई तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? वहाँ फैक्ट्री में कोई लेबर वाला खाली करेगा तो गाड़ी खाली भी नहीं हो सकती, खाली भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सारी अफरा तफरी मच गई, सब अब इस टाइम तो सब कुछ बंद है। ट्रांसपोर्टर के संगठनों के मुताबिक इस समय देश में करीब 3.5 लाख ट्रकों में करीब 35,000 करोड़ रुपए का सामान सड़कों पर यूं ही फंसा हुआ है। 21 तारीख के लॉकडाउन के बाद जो गाड़ियां हमारी रोड के ऊपर थी लाखों की तादाद में, वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकी, क्योंकि हर गाड़ी को कम से कम 3-4 दिन का समय लगता है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। आज लाखों गाड़ियां जिनमें करोड़ों रुपए का माल है गोडाउन के बाहर खड़ी हैं, फैक्ट्रीज के बाहर खड़ी हैं, ट्रांसपोर्टों के गोडाउन के बाहर खड़ी हैं। दूध, राशन और जरूरत के दूसरे सामान लेकर तो ट्रक चल रहे हैं, लेकिन समस्या तब आई जब सरकार ने शुरू में कहा कि केवल जरूरत के सामान का ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, फिर बाद में कहा कि गैर जरूरत के सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक हफ्ते का समय निकल गया और मौके पर वो लोग ही नहीं बचे जो अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं। इन ट्रकों के पहिए अब तभी घूमेंगे जब देश की अर्थव्यवस्था घूमेगी, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इन ट्रकों के ये पहिए घूमेंगे तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था घूमेगी। फरीदाबाद से अपने कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। इतना ही कहना है, अपनी सफाई, शारीरिक दूरी, 6 फीट की दूरी का ख्याल रखें। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना होने दें। वो हैं हमारे आज के हीरो, वो लड़ रहे हैं हम सब की जिंदगी के लिए। नमस्कार।